स्टोरेज गीजर जो रहता है वो थोड़ा बड़ा रहता है, और इंस्टेंट गीजर जो रहता है वो छोटा रहता है। मतलब इंस्टेंट गीजर 3 लीटर का एवरेज में आता है, और स्टोरेज गीजर जो 6 लीटर से शुरू होकर 25 लीटर 30 लीटर तक होता है। स्टोरेज गीजर में क्या होता है, पानी गर्म होने में थोड़ा टाइम लगता है, और इंस्टेंट गीजर नाम से आपको पता चलेगा कि बहुत जल्दी गर्म हो जाता है पानी। आज हम ऐसे ही एक बेहतरीन इंस्टेंट गीजर लेके आए जो हर एक तरफ से कंपेयर करें तो बेस्ट माना जाएगा, जिसका नाम है बजाज का इंस्टेंट गीजर। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो सन ऑफ सन, एंड प्रोडक्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक करने के पहले आपको कुछ चीजें जानना जरूरी है। सारे बेनिफिट्स एंड फीचर्स देखने के पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि जितने भी प्रोडक्ट होता है सारे का रिव्यू और बेनिफिट्स फीचर कंपेयर करने के बाद जो अच्छा होता है बेस्ट होता है वही मैं अपने रिव्यू में लाता हूँ। तो आप पूरा वीडियो देखिएगा, इसके बाद ही डिसाइड कीजिए। इंस्टेंट गीजर में जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है वो है इंस्टेंट गीजर एनर्जी एफिशिएंट रहता है। 25% तक का इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका कम होता है कंपेयर टू स्टोरेज गीजर। वो क्यों होता है, वो इसलिए होता है कि स्टोरेज गीजर बड़ा रहता है, ज़्यादातर टाइम क्या होता है जितना पानी हम लोग को ज़रूरत नहीं है उतना पानी हम गर्म करते हैं और उतना यूसेज होता नहीं है। लेकिन इंस्टेंट गीजर जो छोटा रहता है, एवरेज 3 लीटर का रहता है, जितना ज़रूरत होता है उतना यूसेज होता है, तो एनर्जी बचता है। इंस्टेंट गीजर जब हम लेते हैं तो हमारे दिमाग में ये चीज़ हमेशा रहता है कि स्टोरेज गीजर के जैसा सेफ्टी फीचर्स रहेगा कि नहीं। मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि इंस्टेंट स्टोरेज हर एक गीजर में सेफ्टी रहता है। सेफ्टी एंड फीचर्स का बात आ ही गया तो हम देख लेते हैं कि बजाज स्प्लेंडोरा में क्या क्या मिलने वाला है। बजाज का ये इंस्टेंट गीजर 3 किलोवाट का पावर प्रोवाइड करती है, और बजाज का ये इंस्टेंट गीजर 6.5 बार प्रेशर पे आता है। अभी क्वेश्चन ये है कि बार प्रेशर क्या होता है। अभी देखिए, अगर आप हाई राइज बिल्डिंग पे रहते हो तो आपको 8 बार का आपको इंस्टेंट गीजर चाहिए, और अगर आप लो राइज बिल्डिंग पे रहते हो तो 6 बार प्रेशर भी आपके लिए सफिशियंट है। अभी हम कैसे डिसाइड करेंगे कितना हाई राइज 8 बार के लिए सही है और कितना हाई राइज 6 बार के लिए सही है। अगर आप 24th-25th फ्लोर के ऊपर रहते हो तो 8 बार प्रेशर इज सूटेबल फॉर यू, और अगर आप 24th-25th फ्लोर के नीचे रहते हो तो 6 बार इज सूटेबल फॉर यू। जैसे कि मैं लो राइज बिल्डिंग में रहता हूँ तो मेरे लिए 6 बार प्रेशर वाला इंस्टेंट गीजर सूटेबल रहेगा। ये इंस्टेंट गीजर आपको ABS बॉडी पे आता है, साथ ही साथ आपको स्टेनलेस स्टील टैंक 304 आता है। 304 होता क्या है, अभी देखिए, वो स्टेनलेस स्टील का एक ग्रेड होता है और 304 बहुत ही अच्छा माना जाता है ग्रेड। और जो हीटिंग एलिमेंट मिलता है इस गीजर पे वो है कॉपर हीटिंग एलिमेंट, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। बजाज स्प्लेंडोरा इंस्टेंट गीजर जो है वो आपका 3 लीटर का कैपेसिटी रखता है, साथ ही साथ ये ISI मार्क्ड भी है, एंड इसके साथ आपको नियोन इंडिकेटर मिलता है, तो जब आप स्विच ऑन करते हो तो इंडिकेशन मिलता है, और जब फुल हीट हो जाता है तो भी इंडिकेशन आपको मिलता है। और इसके साथ जो आपको केबल मिलता है वो फायर रिटार्डेंट केबल है, जो कि सेफ्टी के मामले में बहुत सही है। वेट का बात करें तो 2.2 किलोग्राम वेट है इस गीजर का, और साथ ही साथ आपको 3 वारंटी मिलता है। वारंटी के मामले में ये गीजर बेस्ट है, क्योंकि 1 साल के लिए आपको प्रोडक्ट वारंटी, 2 साल के लिए आपको एलिमेंट वाला वारंटी, 5 साल के लिए आपको मिलेगा इनर टैंक वाला वारंटी, तो 3 टाइप का वारंटी आपको इस गीजर के साथ मिलेगा। तो ये था बजाज स्प्लेंडोरा इंस्टेंट गीजर का रिव्यू। लेकिन लिंक पे क्लिक करने के पहले मैं आपको प्रोज एंड कॉन्स बता देता हूँ। प्रोज ये है कि बजाज एक अच्छा ब्रांड है और कस्टमर सपोर्ट बहुत हद तक बेस्ट है, साथ ही साथ इसका जो यूसेज हुए रफ एंड टफ प्रोडक्ट है। कॉन्स का बात करेंगे तो ये 3,300 रुपीज के आसपास मिलता है, जो मुझे लगता है 200-300 रुपये ओवर प्राइस्ड है, लेकिन जितना फीचर्स बेनिफिट्स एंड वारंटी मिल रहा है उस हिसाब से 200-300 रुपये ज़्यादा देना कोई प्रॉब्लम की बात है नहीं। तो ये था बजाज स्प्लेंडोरा इंस्टेंट हीटर का कंप्लीट रिव्यू। अगर आपको अच्छा लगा ये प्रोडक्ट तो मेरे लिंक पे क्लिक करके आप ये प्रोडक्ट खरीद सकते हो, और ऐसे ही रिव्यू देखने के लिए सन ऑफ सन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। लेके आएंगे और एक बेहतरीन प्रोडक्ट, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।